एमपी में एक्शन में कमलनाथ, मिशन 2023 के लिए कसी कमर, नेताओं को दी नसीहत, संगठन में भी होगा बड़ा बदलाव। क्या सत्ता पर फिर काबिज होगी कांग्रेस? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में केवल 14 महीने बचे हैं। इसे देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एक्शन में आ गए हैं। मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में हुए नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को 5 नगर निगमों में मिली कामयाबी के बाद कमलनाथ ने जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती के प्रयास तेज कर दिए हैं। कमलनाथ ने जमीनी स्तर पर कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने की कमान अपने हाथ में ली है। निकाय चुनाव में गड़बड़ी करने वाले और निष्क्रिय जिला अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। पीसीसी से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10 जिलों के जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। प्रदेश स्तर से जारी होने वाले संगठन के कामों में ढील बरतने वाले जिला अध्यक्षों को बदलकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा सकता है। कमलनाथ ने जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से स्पष्ट कहा कि यदि आपके पास पार्टी और संगठन के लिए समय नहीं है तो अभी बता दो, ऐसे पदों पर हम अपने दूसरे मेहनती लोगों को मौका देंगे। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि 200 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल आने वाले नेताओं को जमीन पर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। कारों के काफिले से नहीं, जमीन पर काम करने से जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगले साल विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में हवाबाजी के बजाय जमीन पर काम करने से ही कामयाबी मिलेगी। बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों को भी संगठन के कामों पर ध्यान देने की नसीहत दी है। कुल मिलाकर कमलनाथ हर हाल में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी भोपाल।